बड़ा बढ़िया बाहर से ही बिरहा सुने की मिला शिव जी लिंग पूजा हुई बड़ा लिंग पूजा विष्णु अपन पुजारी सारे पंडवा पुजारी सारे पंडवा भाई पुजारी सारे पंडवा पुजारी सारे बड़ा बढ़िया सुने की मिला कहानी भी अच्छा तो कहाँ से सुन की हम सोचे और दूसरे जगह से गायब हुआ कहानी ने मुसाफिर बात पर्दे में चीन हाँ दुलरवा झारा दोनों जनी के तो हरा उज घंगरा फरी है बुरका बुरका फारा फारा थक गए हैं अच्छा भाई अब यही ना कहा था रात बाकी यहाँ बात बाकी है हाँ अब की दान बची किरे हैं पारी यावत बजल्दी से बड़ा सुंदर बिरहा है भगवान भोलेनाथ कि विषय में सुने की मिला क्या बात है कहानी भी अच्छा रही सीसी धड़क गई रही अच्छा अच्छा ब्रह्मा की हाँ कहें सोना मांगता ही सोना मांगता मतलब कि हम भीख आज मांग मांग मैं तुम कावत ही तो मांगते ही तारी तारी खातु तरवाई ले ही तो पूरा चौराहा दिखाइए क्या बात है आई हमारा तरफ से बहुत छोट की बात आवा बजा के बात बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है अरे पगला हम नहीं जानते रहे घर खाली है कहाँ जा गया सुना हरे मनवा दस पंद्रह
15 मिनट के दास्तान बा और आशा ना पूरा विश्वास बा कि एक एक लाइन आप लोगन की समझ में आई। आराम से विरह नहीं होता है। हां हां आराम से अब दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनके हर अंग में बोले बोला गरास भी हंस करके तब इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए। अरे बात मानो मेरी आज ही सैल जा दूल्हा फिर से जागी है भावना उनके हर अंग में बोले भोला गौरा से बिहस कर की तब इच्छा हमारी मन की पूरा दीजिए। बात मानो मेरी आज है शैलजा दुल्हा हमका आज फिर बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ दुल्हा तो कई बार बना है लेकिन दुनिया के मालिक खेला देखा। एक दिन कैलाश पर्वत पे एकदम घोर तपस्या में है माई पार्वती का काम करी सी लोढ़ा ली उनके काम ये रहे कि भांग रखी पीसे। अरे वाह अब अपने स्वामी की इंतजाम पहले से करे रहे हैं कि कहत रहे गौरा अपने स्वामी से इतना प्यार करे बहुत ज्यादा। दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ को जब आंखी खुली तो उनकी निगाह इसी मृतलोक के धरती पर पड़ी जहाँ हम आप हैं। जब यहीं पर पड़ी जैसे आज तिलक चढ़ा भगवान भोलेनाथ टीका लगा रहे नाऊ बाभन लेके गए रहे टीका और जवन उनके हाल हुई वो नहीं जाने। इसी मृतलोक की धरती पर उनकी निगाह ये पड़ी तो भगवान भोलेनाथ देखें अरे वाह क्या नजारा है। जब सतरंगी लाइट देखें चमाचम डीजे में घसा घस बाजन बा तमाम गाना चलवा की लौटिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। गाना चला रहे कि साजन मेरा उस पार ही वाह सुगर हो गया 6 महीने से बीमार है लाल पत्ता उड़ गया मेरा हवा के झोंके से वाह कितना जने मर गए कोरोना खोखे खोखे से बहुत अच्छा अच्छा गाना बा अटरिया पे लोटन कबूतर वाह जेके बार झरिया में होई गवा उसर रे हां चट्टा हुई है वाह तमाम गाना आई बा का कर बे भैया समय लेकिन वो समय जब यही पर देखे इस मृतलोक की धरती पे क्या नजारा है तो भगवान भोलेनाथ सोचे कि अगर हम वो दुल्हा बन जाई तो का बात रहे नया सामान मिल जाए। हाँ तो क्या तो सामान ही के लगी बा लेकिन भगवान भोलेनाथ के दिल का बात बुझा अंतर्यामी है अंतर्यामी माई पार्वती देखा थी ऐसे ऐसे कहाँ गए नंबर एक कहाँ भा स्वामी कहे प्रिय देखिए मृतलोक की धरती पे क्या नजारा है माई पार्वती झांकत है कि हमके तो कुछ लौकत ही नहीं बा हमके कैसन दिखा दो तो नजारा बा कहां देखा क्या सतरंगी लाइट जल रही है अदुल्हा का देखा एकदम हम बहुत चाहते हैं कि हमका तू दुल्हा बनावा माई पार्वती कहन दुल्हा बना तो हमसे बियाह करे अब लगत बा दाल में काला कुछ बा उमर तो हर दुल्हा बने के बाद कहे हम चला कहे नहीं देखा तू हमका दुल्हा बनावा आगे आगे कवन खेला हो तुम तो का दिखाऊ कहे देखा बनावा का कहा थी मार सब
आशिक हो मासूका हो, प्रेमी हो प्रेमिका हो, दुल्हा हो दुल्हीन हो, गायक हो गायिका हो, अच्छा केहू भी हो, आशिक मासूका से कहता है, क्या कहता है, अरे पलटिकल नमस्कार बा, लेकिन गौर कहा यही भाव निकाना बा, भगवान भोलेनाथ माई पार्वती से कहे हैं, का कहे हैं, जयकरण सिंह यादव उस्मा निवासी ये सर्वप्रति की सम्मान किए ईश्वर में सत्य कल पंच के नमस्कार बा कहना बा कैसन क्या बात है राम शरण यादव भाव को समझते हुए बबरौली की धरती से 201 रुपए दे की सम्मान की मालिक करी आपका परिवार खुशहाल रहे कहना बा माई पार्वती को जब हमार स्वामी इतना प्यार से हमसे कहते हैं ताज हम इनका दुल्हा बनाई दी भगवान भोलेनाथ कहा देखा पार्वती अगर हमका दुल्हा बनाई तो कौनो श्रृंगार करे में कौनो चीज की कमी ना हो चाहे जैसे हम पहले फेरी दुल्हा बना रहे वैसे हमका सजावा और श्रृंगार में तनकौ कमी होई तो कई अंजाम तू होगी स्वामी हम अपने
तरीके से हम तोहके इतना बढ़िया से सजा दे कि इस तरह सिंगार लग जाई लेकिन कमी ना हुई। कैसे सजा थी मासूम गीत बा बड़ा पुरान गीत बा। कहा गया कि पुरान चीज सब दिन नवा चीज नव दिन। जैसे पुरान चावल हो गया, पुरान दाल हो गया, पुरान गुड़ हो गया, पुरान दारू, पुरान मेहरारू, जैसे लेके अम्मा हरे पुरान मेहरारू का मतलब पहले जमाना का बात करते हैं। दादा लोग बैठा हैं कि पहले जमाना में आज ही हरे चुनी भी सेनहुट दे राजा। दादा हरे सब सवाल चले हाँ मन से धू का नाम न ले कहते हैं अब वाली बगलिया देती हैं जो सतना चले जाए दूसरे के जाए। अच्छा मन से धू का नाम न ले अब बड़े जठौर कर रहा हूँ बेरा पहले सम्मान रहे और दादी हरे बल्कि अम्मा हरे कमीज पहने अजेबर लगवाए रहे शरीर का एक अंग न दिखा रहे बीस ही होता है का बिलौजवा। अच्छा भाई दर्जी तो कमाल है यार। लेकिन इस गाने को हमारे स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी बड़ा बढ़िया गावे कोनो दुल्हन की पिया पड़ रही कोनो दुल्हन के हाँ मान ला हाँ कुछ देर भरे क्या बात है मीठा भात है बड़ी जमती है बहुत जमा जम रहे की जम मेल फीमेल नहीं नजर आ रहा आपको थोड़ी देर की। अच्छा थोड़ी देर के लिए बोलो दुल्हन की पिया परदेश देखा जे कई पिया परदेश है जम ना जम दिन फोन नहीं आवा था शरीर सांप लोटा था ओ दिन सुना दिल्ली का रहे रेकंदा भात रखे रहे। अच्छा सऊदीया अगर पहुंच गए तो जान लो फिर उदू नहीं ना पता सखी से बतावा का बतावा ही सखी से बतावा दिया है कमा ना भाई ने स्वामी अरे हमारे दुल्हा बड़ा नीक
अब भगवान भोलेनाथ मन ही मन में मुस्कियात है कि का देवी जमन सिंगार हमरे कैले बड़ू उ तो हम ही जानत हुई भगवान भोलेनाथ के कुल सिंगार सोना चांदी नहीं रही कोजर बिच्छू काने में सांप रोप उनके शरीर पैसे लौटा कर हमें ऐसे 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 मारत रहे लेकिन ये बच्चों भगवान भोलेनाथ कहा कि ये पर्व दिए तो ना खुशी मत हो होगा वही दोबारा दुखी होई पड़ी इतना दुखी होई पड़ी इतना दुखी होई पड़ी माई पार्वती सोचे कि आज हमारे बउरा हूँ लगा तो भांग ज्यादा चढ़ी का सिंगार में कमी बा कहा याद करा याद करा जब हम पहले फेरी दूल्हा बना रहे तब हमारे हाथ में कंगन था जब आज हम दूल्हा बने तो हमारे हाथ में कंगन नहीं बा कंगन के बिना सिंगार अधूरा बा माई पार्वती जितना खुशी रही उतना दुखी हुई है कहा कि अब ला इतना मेहनत पे पानी फिर गया अच्छा बतावा स्वामी जी हे स्वामी हे स्वामी भोलेनाथ के कहत रही हे स्वामी कंगन कहाँ मिली भगवान जी मुस्कियाए कहा कि अगर हमके कंगन का पता हो तो हम लाइक पहन ले होई लेकिन इसमें आज तोहर परीक्षा बा तू हमारे खातिर कहा से कहा कई जाती कहा कि अच्छा कहा कि जहाँ तोहके कंगन मिले हुआ से कंगन ये कहा कंगन कैसे बा कहा नहीं हम मेका नहीं जानी थी अब तू लेके आवा कंगन कैसे बा कंगन लेबई बदे ब्रह्मा जी के पास पहुंची ब्रह्मलोक में कहना बा कैसा गाना गा, पहले गाना रहे कि जब दुआरे पे दुआरा के चार लग जाए तो एक से बढ़कर एक दिखाई भैया कसम से तोरे अभी जब गाना पर जाए तो राजा ये भगवान शरीर पर से सांप लौटे इशारा सरुआई चतनिया चाटा कर क्या बात है तमाम गाना लेकिन एक दिन के बाद बा निरहुआ चड्ढा वाला का आप लोग गाना सुने हुए पहले जमाने में जब विरह हो बियाह हो तो साइकिल पावत रहे दहेज में साइकिल पे वही राजा चमेलवा के बैठा के पंडित पे पंडित पंडित पे पंडित अब पीछे कैंची मिलत रही पहले अब तो बस का हुई गया बा कैंची दबा के राजा उनके बाबू हुक्का पियत बैठा रहे तो हुक्का हराई गया हुक्का हरा गया लेकिन जो अब तो हुक्का एकवा वाला चला गया कितना जाने तो पियत है मीठा वाला हुक्का पियत बैठा रहा साइकिल खड़ी करें चमेला बीता भी घूम काढ़े बारा जा अरे वाह कैसे अरे वाह वाह चमेला चमेला अरे वाह जान ले भी काढ़े घूम काढ़े वा बाबू को पांव छुए बुढ़ाऊ का ओ सर आओ बच्ची ओ सर आओ बच्ची पांव छू ले अब बढ़िया से एकदम पलोनी रहू वहां पे माल लेके आवाजा का दुलही नहीं आई बस से मस्त कर बाबू मीठा मीठा चाव चबाए देता अब दुलही देखा जब अंदर जाए अब दिरहू सोचन कि हम हूं घुस जाए पीछे चढ़ा पकड़ के खींच लो इनका कौनो कांड कर बेटा अब ताने कुछ दिन जब बीता है पंचो तो उस चमेलवा का भैया चचा तारीखे से लौटा रहे सोचन रस्तम पलता है चमेलवा का घर चली मुलाकात तो कही दे अब जब जाए कांड का तो हो राम बागा
गया कहाँ हो बेटा वाह कहाँ चमलवा को बुलाई दा तने को मुलाकात कैले चमलवा का बात हिल बीता घूंघट काल की आई पियानु हो बिरानु चिल्लाए जब लागे भैया सारी पीपल बताए राहे देई शार ना राखी तो मर जाखे तब ना चमेलवा का भाई को ना कहने का यार भैया कौन भैया की चल भी क्या खे कौन भाई को ना करी में तो का कवन टेंशन रहे चल चल तो को रख दे जिंदगी पेट भरत रहे चल का सारे का अब लहर का छान बांध कहां से कहां डोलत यहां ब्रह्मा जी बताया कि आप जाइए बैकुंठ लोक क्षीर सागर में विष्णु जी के पास कंगन वहां पर आपको मिल जाएगा। अब ये भैया वो समय पार्वती उदास चेहरा लेकर क्षीर सागर में जब गई तो से सैया पे विराजमान विष्णु जी पांव दबावत है लक्ष्मी जी तब ही पहुंच गई। अब नारायण जी इसे अखिया मन के कुल देखत हो त्रिपुरारी दिनों के दिना नाथ खेला कवर रचा था। जब वहां पहुंची एक बात उनका गीत लगवा
कहा गया कि हमारे इलाहाबाद में तीन चीज मशहूर बा, स्वर्गीय दादा राम कैलाश का लटका, अबे लटका ही स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी का झटका, और स्वर्गीय लाल जी लहरी का फटका। तीन चीज मशहूर बा, लेकिन है भैया यू गाना बा जब दुआरा पे बराती आ जाती, दुआरा के चार जब लागत है तब बड़की माई हर डांस नहीं देखा थी, दुल्हा का देखा थी कि देखी फलनवा का दामाद कैसन बा, जोड़ी मिलत यह कि नहीं, का कहो तुम्हार साहब कहना बा। और ये परमादरणीय परम श्रद्धेय मान सिंह इसी गांव के निवासी हैं, एक और पति की सम्मान किए ईश्वर मिश्र भैया लोग इनके प्रणाम बा। दुल्हावा फिर बनावा गुजरी, दुल्हावा फिर बनावा गुजरी, सजोरा
और गुजरी है। झूमर में कहना बात कैसा है गौर कन्हैया, जब कुल बात बताई माई पार्वती त्रिशूल भगवान शेष नाग की तरफ इशारा कर लो कैसे है। विशुल शेष के बिहारी तोरी आई गई बारी, खेला करी थी पुरानी या बतावा भारी टेंशन ले महेश पूरा जाई करा से उनके मन के इच्छा पूरा बाती जाना प्रधान जी की ओर से मान सिंह यादव, प्रधान जी की ओर से जो कि मान सिंह थामा अलावलपुर की धरती से, जो कि इनका मान सम्मान सब कलाकारों के ऊपर रहता है, 501 रुपए देंगे सम्मान के एक समय सब सकल पंच के नमस्कार बा बिना हमें गौर कराया भैया ना। भारी टेंशन में महेश पूरा जाय करा शेष उनके मन के इच्छा पुरावा भी रना, नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हन के रोल बन गए दुल्हा सिंगरवा सजावा भी रना। विष्णु भगवान शेष नाग की सारा कोयलन की जा देखा कैलाश पर्वत पे तोहार बुलावा बा कंगन बन के उनका ही सिंगार पूरा करा जो अधूरा बा। माई पार्वती के साथ साथ एकदम चला गई कैलाश पर्वत पे जब पहुंचे ने भैया तो उस समय जब भगवान भोलेनाथ बड़ा खुशी में कि अब तो मेरा सिंगार मिल गया मेरा कंगन मिल गया, भगवान भोलेनाथ शेषनाग की गटैया पकड़े गर्दनवा गप पकड़े के बाद ही हाथ में लपेटे लगे जब लपेटा ही लगे शेष नाग की जितना शरीरी में हड्डी है सब परपरा एकदम चरचराई है एकदम कंगन जब बनावे लगे तो भगवान भोलेनाथ खुशी हो कि कहीं श्रृंगार किया तो करना किया श्रृंगार किया तो करना क्या और घर दानी को डरना क्या श्रृंगार किया कोई खेला नहीं और घर दानी को समय हो तबा अल्लाह के मामी
के हाथ में लपेटी लागी तो शेष नाग से पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ। जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ ये भैया, तब शेष नाग के आंखों से तीन बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है। प्रमाण है, तीन बूंद आंसू जब धरती पे टपक पड़ता है तो तीन कन्याओं का जन्म होता है। तीन कन्याओं का जन्म हुआ। कैसन मार साहब, पहली कन्या का नाम, पहली पुनवा से जन्मी सुनैना गुजरिया, राजा जनक जी का लिहले राजा जनक से होती है। और दूसरी बूंद वाली कन्या जो जन्म ली उसका नाम पड़ा सचमरी, सचमरी की शादी राजा इंद्रदेव से होती है। जो तीसरी बूंद वाली कन्या ली जन्म, दोनों बूंद वाली कन्या सुनैना सचमरी से ज्यादा सुंदर रही, इतना देखने में सुंदर रही। और कोई शादी कैसे हो तुम्हार सब आज की बात साधु ले राजा के बाबा जी की तरफ से राम खिलावन यादव, क्या बात है। 501 रुपए दी की सम्मान किए, पाँव छू के प्रणाम बा, 100 में सत्यकल पंच के नमस्कार बा। लेकिन है भैया और समाज, तीसरी बूंद वाली जो कन्या ली उसका नाम क्या है और किसी शादी होती है कहना। तीसरी बूंद वाली कन्या जो जन्म ली उसका नाम पड़ा सती सिलोचना, सती सिलोचना की शादी मेघनाथ से होती है। अब मेघनाथ जब देखे, अरे वाह इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, जबरन लेके गया। उस समय शेष नाग मेघनाथ से लड़े के काबिल नहीं, काहे बोले कि भगवान भोलेनाथ तो उनको हड्डी पसली चूर कई जाए। अब एकदम घायल होकर लेटा है, जिस समय हाथ पकड़ के सती सिलोचना का मेघनाथ लेके जा रहे थे, ललकार की बोल पड़े। शेषनाथ कहने लगे मेघनाथ से, इसका बदला एक ना एक दिन मैं तुमसे जरूर लूंगा। मेघनाथ को पहले अपन हालत देखा, कौन दशा में हवा अपन हालत देखा। क्या इसका बदला मैं एक ना एक दिन तुमसे जरूर लूंगा, लेकिन वो कई बदला कब ले थी मार साहब, आखिरी हम कहना बा। Thank you.
अच्छा और ये प्रधान जी की ओर से अमर सिंह, इनका कहना है कि समाजवादी हो जी, जरूर हो जाए, हम सुनाई हूँ सब पे देखी सम्मान किए। त्रेता युगवा में सेठ नागली हले बदला बन के लक्ष्मण मेघनाथ का काटे लगला। त्रेता युग में सेसा अवतारी लक्ष्मण और नारायण भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लिए, और आने वाले समय में जब सीता जी का हरण हुआ तब उसी युद्ध में वही मेघनाथ मारे जाते ही शेषनाग के हाथों द्वारा, वही लक्ष्मण प्रतिज्ञा किए थे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक ना एक दिन बदला मैं जरूर लूंगा, उसका बदला उसी समय लिए। शिव का श्रृंगार भी पूरा हुआ, तीन कन्याओं का जन्म हुआ, तीनों कन्या की शादी हुई और शेषनाग का बदला भी पूरा हुआ। आखिरी भाव में कहना बा राम पंथारी कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे मात की छाया, अरे दूल्हा फिर बनावा दूजरी।